चले अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां पर जींद के बरा खुर्द गांव में 2 मंजिला मकान गिर गया है। मकान के मलबे की चपेट में आने से 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मलबे में कई मवेशी भी दबे हुए हैं। हादसे की सूचना के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर जींद से, जहां पर 2 मंजिला इमारत गिर गई। जींद के बरा खुर्द गांव की घटना, जहां पर 2 मंजिला गिरने से 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता विजेंद्र कुमार। विजेंद्र, किस वक्त की घटना है और अभी तक क्या क्या आपको अपडेट मिल पा रही है? मोनिका, देखिए, जिस प्रकार प्रदेश के अंदर लगातार बरसात हुई है, उसके बाद जो कुदरत का है, इसको हम कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि ये जो बरसात हुई थी, बरसात के कारण मिट्टी का कटाव हुआ और जो मकान है उसकी जो दीवारें हैं वो दरक गई। पूरा मकान 2 मंजिला ये इमारत थी वो गिर गई, और गिरने से इसमें जो परिवार के लोग हैं वो उसके नीचे दब के 3 से 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पशु थे, 10 के करीब पशु हैं, वो भी दबे हुए नीचे। और इसमें जो खास बात निकल कर सामने आई है कि जो ग्रामीण हैं, सैकड़ों की संख्या में उन्होंने इकट्ठे होकर अपने स्तर पर ये रेस्क्यू अभियान चलाया है। ये प्रशासन का भी मानना है, प्रशासन ने भी कहा कि लोगों का बड़ा सराहनीय काम है कि दुख की घड़ी में गाँव के लोग आगे आए हैं। हालांकि मौके पर जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं, तो एसडीएम की बात करें, डीएसपी, पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी सब मौके पर हैं। नुकसान का वो आकलन कर रहे हैं। जो 3-4 लोग घायल, उनका इलाज जींद के सामान्य अस्पताल में चल रहा है और प्रशासन फिलहाल बचाव और राहत कार्य में लगा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जो पशु है उनको निकाला जा रहा है और बड़ी भारी संख्या में गाँव के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक एक करके सभी के सहयोग से जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरह से कुदरत का कहर उस परिवार पर टूटा है और पूरा मकान ध्वस्त हो गया है। फिलहाल जो है बचाव कार्य जारी है। जी विजेंद्र, क्या पहले इस घर के लोगों को सूचित नहीं किया गया था कि ये घर कमजोर है, यहाँ पर ना रहे? देखिए, मकान बिल्कुल पक्का था और ये बढ़ा कला जो गांव है जींद का, ये उस गांव का मामला है। और जो बरसात हुई है, लगातार बरसात हुई है, लगातार बरसात होने के कारण जो पानी है वो जो जमीन में जो जिसके कारण है इकट्ठा हुआ है, इकट्ठा होने के कारण दीवारें हैं वो दरक गई, नीचे खिसक गई, जिसके कारण पूरा मकान देखते ही देखते ढह गया। पूरा का पूरा पूरा मकान पक्का था और लेंटर का ये मकान था, पूरा परिवार नीचे उसके दब गया। गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन्होंने उनको निकाला किसी तरीके से और अस्पताल पहुंचाया। तो ग्रामीणों का बड़ा काबिले तारीफ सराहनीय ये काम है और प्रशासन भी अपने स्तर पर फिलहाल बचाव कार्य में लगा हुआ है। जी मोनिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।